हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड, आज हम लोग सीखेंगे ये फोर रो का बहुत ही ब्यूटीफुल और इजी सा पैटर्न है। देखने में तो लग रहा होगा ये हार्ड है, लेकिन बनाने में बहुत इजी है और ये बहुत जल्दी बन के आता है। 8 के मल्टीपल पे चलता है, 5 पंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं, 3 पंदे तो पैटर्न को इक्वल करने के लिए, 2 पंदे एज स्टिच के लिए। बैक साइड से ऐसे दिखता है और राइट साइड से ऐसे दिखता है। ये 8 के मल्टीपल से चलता है, 4 रो का रिपीट पैटर्न है। इसको आप कार्डिगन, स्वेटर, मतलब लेडीज़ के किसी भी जाली वाला मतलब शॉल पे डाल सकती हैं, इस शॉल स्टॉल पे भी डाल सकती हैं। तो चलिए बनाते हैं। ने टोटल 16 प्लस 3 19 और 2 21 पंदे लिए हैं। 8 के मल्टीपल पे 16 3 19 तो 21। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट रो। फर्स्ट पंदे को स्लिप करेंगे, 1 2 3। धागा सामने करेंगे, 1 2 3 4 और 1 5। धागा पीछे करेंगे, देखिए 3 पंदे सीधे, 2 4 5 और 5 3 8 पंदे का यही पैटर्न हमारा पूरी रो में जाएगा। 1 2 3। दो तीन चार 5, 1 2 3 एजिस्टिक सीधा बोलने में। सेकेंड रो रॉन्ग साइड में देखिए क्या करना है। 1 2 3 1 4 पंदे बुन लिए, अब जाली डालेंगे, 2 पंदे का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, 2 पंदे का 1 करेंगे, 1 2 3 4 जाली डालेंगे, 2 पंदे का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, 2 पंदे का 1 करेंगे, 1 2 3 एज स्टिच उल्टा बनेंगे। सीधी साइड में क्या करेंगे, पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। ए पूरी रो को सीधे बुनी जाएगी। तो जाली को थोड़ा सा ध्यान से बुनना है। फोर्थ रो पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। पूरी रो में उल्टे उल्टे पंदों के साथ ही डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। पूरी रो उल्टी बुनी जाएगी। सॉरी, देखिए 4 रो में हमारा पैटर्न इतना सा बन गया है। तो हमारे डिज़ाइन इतना सा आएगा 4 रो में। अब आपको 1 to 4 रो बार बार अगर आप रिपीट करेंगे
तो आपका डिज़ाइन कुछ ऐसा बन के आएगा। बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है और ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। आप इसको कहीं भी डालिए और बना के ज़रूर हमको दिखाइए। तो लास्ट में मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।